बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू गौहर पब्लिशर्स। माय नेम इज़ राबिया आबिद। आवर स्लोगन इज रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग्स। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट गौहर स्किल अप सीरीज, सब्जेक्ट साइंस, क्लास 5th, यूनिट नंबर 4, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, चले हम अपना आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ मैटर चेंजेस, मैटर किस तरह से चेंज होती है। और मैटर के चेंज होने से पहले डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे कि मैटर एक्चुअल में होता क्या है। मैटर डियर स्टूडेंट्स वो होता है ऐसी कोई भी चीज जिसका मैस हो और वो स्पेस को ऑक्युपाइज करे, मीन्स के एक स्पेस, एक जगह घेरे या एक स्पेस ले, उन तमाम चीजों को हम बोलते हैं मैटर। मैटर के डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि एनीथिंग दैट हैज मैस एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। और हमारे इर्द गिर्द तमाम चीजें जो है वो मैटर से मिलकर बनी हुई है। जैसे कि आप अपने इर्द गिर्द अपने स्कूल में देखें तो आपके डेस्क उनका मैस है और वो एक जगह भी घेरते हैं, ऑक्युपाइज स्पेस भी करते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है ये मैटर कहलाती हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 कॉमन स्टेट्स हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और जो द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन एवरी स्टेट ऑफ मैटर इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, इन तीनों की अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो है आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। जिस तरह के हम ऑब्जर्व करते हैं चेंजेस इन मटीरियल्स अराउंड अस, हम अपने इर्द गिर्द मौजूद बहुत सारी चीजों में डिफरेंस को है जो ऑब्जर्व करते हैं। थिंक अबाउट द वाटर इन अ फ्रीजर, द वॉटर टर्न्स इन टू आइस, द फ्रेशली कट एप्पल टर्न्स इन टू ब्राउन आफ्टर सम टाइम। और वो जो चेंजेस हम अपने इर्द गिर्द की चीज़ों में डियर स्टूडेंट्स फील करते हैं वो ये होती हैं कि अगर हम पानी को फ्रीजर में रखें तो आफ्टर फ्यू मिनट्स या आफ्टर फ्यू आवर वो जो है आइस क्यूब्स में या आइस में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स के लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। इसी तरह अगर हम एप्पल को कट करके रखें तो आफ्टर फ्यू मिनट्स एप्पल है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो जाता है। ये है हमारे पास एग्जांपल्स मैटर्स की। अब हाउ मैटर चेंज, मैटर चेंज किस तरह होता है डियर स्टूडेंट्स। मैटर के पास बहुत सारे वेज होते हैं चेंज होने के लिए, यहाँ पर हम फ्यू डिस्कस करेंगे। व्हेन मैटर इज कट और ब्रोकन, अगर हम मैटर को कट करते हैं इट्स साइज एंड शेप चेंज। ऑब्वियसली बात है, हम किसी भी चीज को काटेंगे या उसको तोड़ेंगे तो उसकी शेप जो है उसकी ओरिजिनल शेप से चेंज हो जाएगी। मैटर चेंजेस व्हेन इट डिसॉल्व और मिक्सेस इनटू द लिक्विड। इसी के साथ साथ मैटर खुद को तब भी चेंज करता है जब हम उसको किसी भी वाटर में या किसी भी लिक्विड में मिक्स करते हैं। कुकिंग और बर्निंग कैन ऑल्सो चेंज द मैटर। कुकिंग, अगर हम किसी मैटर को पकाते हैं या उसको जलाते हैं तो भी वो खुद को चेंज करता है। ये तमाम हमारे पास मैटर की चेंजेस हैं जो कि हमने डिस्कस की हैं। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पिक्चर बनी हुई है, एक स्टोव है जिसके ऊपर कुछ मटेरियल कुक हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब वो मटेरियल कुक होगा तो उसकी शेप, कलर और साइज जो है वो चेंज हो जाएगा और इस तरह वो मैटर अपनी ओरिजिनल शेप से अपनी शेप को चेंज कर लेगा। नेक्स्ट हमारे पास ग्लास ऑफ वाटर है जिसके अंदर शुगर मिक्स हो रही है और जब इस शुगर को हम वाटर में डाल के मिक्स करेंगे तो ऑब्वियसली बात है जो शुगर है वो पानी में टोटली डिजोल्व हो जाएगी और वो अपनी शेप को चेंज कर लेगी। इसके साथ हमने एक वाटरमेलन है हमारे पास जिसको हमने कट किया, एक सर्कुलर शेप में था जिसको हमने हाफ सेमी सर्कल शेप में कट कर लिया। उसके बाद टाइप्स ऑफ चेंजेस, किस तरह की चेंजेस की टाइप्स होती हैं, किस तरह मटेरियल खुद को चेंज करता है। फर्स्ट है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स फिजिकल चेंजेस और सेकंड है हमारे पास केमिकल चेंजेस। फर्स्ट है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, अ चेंज इन विच अ न्यू मटीरियल इज नॉट फॉर्म्ड इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी मटेरियल में या किसी मैटर में कुछ चेंजेस करते हैं तो उसके बदले में उस मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज है, ना कि कोई न्यू फिजिकल प्रॉपर्टी बने, इस चीज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। इसके बाद है मैटर लुक डिफरेंट आफ्टर फिजिकल चेंज बट इट्स केमिकल कंपोजिशन डू नॉट चेंज। अगर हम किसी मैटर को चेंज करते हैं तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ सकता है। अगर हम किसी मैटर को चेंज करते हैं तो उसकी फिजिकल अपेयरेंस में चेंज आ सकता है, लेकिन उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है ना डियर स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। इट इज स्टिल द सेम काइंड ऑफ मैटर, वो अपनी कंपोजिशन में उसी तरह का सेम मैटर ही रहेगा।
फिजिकल चेंजेस ऑब्जर्व इन एवरीडे लाइफ. अब हम इसकी एवरीडे लाइफ में फिजिकल चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं. फर्स्ट है टेयरिंग ऑफ अ पेपर शीट. जब हम एक पेपर को, एक शीट को टेयर करते हैं, फाड़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज हो जाती है. वो पेपर जो है वो 2 या 3 पीसेस में कन्वर्ट तो हो जाता है, लेकिन जो उसकी केमिकल कंपोजिशन होती है, जिन चीजों से वो मिलकर बना होता है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती. डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर. जब हम वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो उससे क्या होगा कि सॉल्ट जो है वो तो वाटर में मिक्स हो जाएगा, जिससे वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज होंगी, लेकिन जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉल्ट है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज सेम ही रहेगी. वी कैन गेट इट अगेन बाय बॉइलिंग द वाटर. और हम उस सॉल्ट को गेन अपेयर करवा सकते हैं जब हम उस सॉल्टी वाटर को बॉइल करेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास क्रशिंग अ मेटल कैन. कि मेटल के कैन को क्रश करके हम किस तरह से उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज देख सकते हैं. डियर स्टूडेंट, क्रशिंग एन एल्युमिनियम कैन इज अ फिजिकल चेंज. द शेप ऑफ द कैन चेंज आफ्टर क्रशिंग, बट इट इज स्टिल एल्युमिनियम. अब ये बट इज स्टिल एल्युमिनियम का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी अभी भी स्टिल सेम है. अगर कुछ चेंज हुआ है तो वो उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकल शाबाश, फिजिकल चेंज है वो उसका. अब नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर. कि किस तरह से टेम्परेचर जो इफेक्ट करता है मैटर पे. ऑन अ हॉट डे एन आइसक्रीम मेल्ट्स क्विकली. ऑब्वियस सी बात है, गर्मी में अगर हम हॉट डे में आइसक्रीम खाएंगे तो हमारी आइसक्रीम बहुत जल्द मेल्ट होगी. एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर कॉजेज इट्स चेंज. अब उसने उसमें चेंज, उस टेम्परेचर का इंक्रीज होना जो है उसने आइसक्रीम की बॉडी में चेंज लाया. हीट मेल्ट्स द कैंडल वैक्स बट इट स्टिल बिकम सॉलिड ऑन कूलिंग. अब हीट की वजह से हम कैंडल वैक्स को मेल्ट तो कर सकते हैं, लेकिन जब हम उसको ठंडा करेंगे, उसको किसी कोल्ड प्लेस में रखेंगे, तो वो गेन अपनी उसी शेप में आ जाएगी जिस मोल्ड में हम उसको अगेन उसकी शेप में लाना चाहेंगे. द वैक्स रिमेन्स वैक्स वाइल मेल्टिंग और हार्डनिंग. अगर हम उसको ठंडी जगह पर रख के अगेन हार्ड करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैक्स वैक्स की वैक्स ही रहेगी, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं होगा, जस्ट उसकी शेप चेंज होगी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के इंक्रीज और डिक्रीज होने की बेस पे. वी नो दैट द पार्टिकल्स इन सॉलिड कीप ऑन वाइब्रेटिंग अबाउट देयर फिक्स पोजिशन. हम सब ये जानते हैं कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं अपनी फिक्स पोजिशन से. व्हेन सॉलिड वैक्स ऑब्जर्व हीट इट्स पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर. जब हीट के पास हम लेकर जाते हैं ना वैक्स को डियर स्टूडेंट्स, तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं ना सॉलिड के, वो एक दूसरे के साथ तेजी के साथ जो है ना अब वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना उनके दरमियान, वो वीक से वीक होना शुरू हो जाती है, और दे स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. वो और वो एक दूसरे से दूर दूर जाना शुरू कर देते हैं, और जब वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं तो एज अ रिजल्ट सॉलिड वैक्स चेंज हो जाती है लिक्विड वैक्स में. सो डियर स्टूडेंट्स, द चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर इज अ फिजिकल चेंज. अगर किसी भी मैटर में चेंज आता है, उसकी स्टेट चेंज होती है, तो वो जस्ट एक फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि उसकी केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल सेम रहती है, और मैटर एक दूसरे से डिफर तब करते हैं जब उनकी केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट हो. तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि द टाइप व्हेन मैटर चेंजेस इट्स स्टेट. जब मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है तो द टाइप ऑफ मैटर इज नॉट चेंज. तो मैटर की टाइप चेंज नहीं होती, उसकी जस्ट फिजिकल शेप चेंज होती है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर. उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी. मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.